जय श्रीमन नारायण मित्रों, आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के विषय में। मित्रों, हम सदैव ही प्रामाणिक विषयों की चर्चा करते हैं और हम कोई भी इधर उधर की आलतू फालतू बातें नहीं बोलते हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियो पे कम व्यू देखा है, उसका कारण यह है कि मैं कोई भी लफाजबाजी नहीं करता हूँ और बिल्कुल शास्त्रीय बातें बोलता हूँ। जो प्रामाणिक नहीं है उसको मैं व्यू के लिए कभी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो हमने अब तक चर्चा की है कि अगर कुंडली में दसवें घर का मालिक अगर बारहवें घर में बैठा हो तो किस प्रकार का फल देगा। तो आज से हम शुरू करेंगे कि ग्यारहवें घर का मालिक अगर एक से लेकर बारहवें घर तक बैठा हो तो कैसा फल जातक को देता है। तो मित्रों, महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय भावेश फलाध्याय के 115 नंबर श्लोक तक की हमने चर्चा कर ली है। आज हम श्लोक नंबर 116वें की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, वैसे 11वें घर का मालिक जो होता है वो भी बड़ा प्रभावी ग्रह होता है और बड़ा ही शुभ फलदायी ग्रह होता है, परंतु ज्योतिष में स्थितियों परिस्थितियों का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि वो ग्रह कहाँ बैठा है, उसका प्लेसमेंट क्या है, उसके डिग्री वाइज बलाबल क्या है, ये सब बड़ा ही महत्व रखता है। और उससे भी बड़ी बात कि आपके जीवन में अगर ज्योतिष का अनुभव नहीं है, आपने थोड़े बहुत कहीं से कुछ रखे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से भरपूर लाभ चाहिए तो निश्चित रूप से आपको लंबे अनुभव वाले व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 11वें घर का मालिक अगर पहले घर में यानी लग्न में बैठे तो जातक को अपनी दशा अंतर दशा में कैसा फल देता है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि लाभे से लग्नगे जातः सात्विको धनवान सुखी समदृष्टेः कबीर वाग्मी सदा लाभ समन्वितः। बहुत ही अच्छा फल बतलाते हैं। कहते हैं कि यदि 11वें घर का मालिक अगर लग्न में बैठता है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक सात्विक एवं शुद्ध हृदय का व्यक्ति होता है। ऐसा जातक बहुत ही धनवान एवं जीवन में हर प्रकार से सुखी होता है। ऐसा जातक व्यवहार कुशल होता है, वाक् चातुरी से संपन्न होता है, कवित्व हृदय वाला व्यक्ति होता है एवं स्वयं का हित अनहित जानने में अत्यंत कुशल होता है। तो मित्रों, आपने देखा बहुत ही सुंदर फल अगर 11वें घर का मालिक पहले घर में बैठता है तो देता है। और आपकी कुंडली में अगर 11वें घर का मालिक लग्न में बैठा है और लग्न में बैठ करके भी इस प्रकार का शुभ फल नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा कारण है। और वो कारण क्या है यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे YouTube के किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको अपने यूट्यूब पर ही विस्तृत रूप से आपकी कुंडली में क्या दोष है तथा कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद आपका जीवन सुधर सकता है, ये बात मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा। वैसे आप चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर के भी हमसे फोन पे बात कर सकते हैं, परंतु अगर बिल्कुल निःशुल्क जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब में आइए, हम आपको वहीं पर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे 11वें घर का मालिक अगर लग्न में बैठता है तो ऐसा जातक अतुलनीय धन से संपन्न होता है, ठीक है। जय श्रीमन नारायण।